हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गोवन ऑथेंटिक पुलाव, इसे आरोस भी कहते हैं गोवा में। ये पुलाव बहुत ही माइल्ड होता है, मगर इसको बच्चे बड़े बहुत ही चाव से खाते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप बासमती राइस भिगाने रखे हैं आधा घंटे के लिए। मसालों में तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और काली मिरी, ब्लैक पेपर और 2 मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं। आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन क्यूब्स मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं। पहले हम खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 मिनट बाद हम ऑयल डालेंगे इसमें और इसको फ्राई करके लेंगे 1 मिनट के लिए। और बाद में हम इसमें जो मैंने प्याज लिया था एक, उसको अच्छे से पतला पतला बारीक लंबा सा आप काटिए और वो भी डाल दीजिए इसमें। इसको भी सॉटे कीजिए, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है हमें। और टमेटो भी इसे सॉफ्ट होने तक सॉटे कीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी मटर, थोड़े से बीन्स है, थोड़े कैरेट्स और कैबेज है, सब मिक्स है। आप जो चाहिए वो डाल सकते हैं। और इसे भी सॉटे करके लीजिए 2 मिनट के लिए। अब हम ऐड करेंगे इसमें चिकन क्यूब्स। अब मैंने ऐड किया है 1 क्यूब ऑफ बटर। बटर है सैचुरेटेड फैट, जिससे कि हमारा पुलाव बहुत ही खिला खिला बनेगा। अब मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ, सोक राइस, मगर इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अभी इसको भी थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे 5 मिनट के लिए। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको सॉटे करना है। सॉटे करने के बाद इसमें गरम पानी हम डालेंगे। बासमती राइस मैंने 2 कप लिया था, तो मैं 3.5 कप डालूंगी बिकॉज मैंने राइस को सोक किया हुआ था। अभी इसको हाई फ्लेम पे कुक होने दीजिए पानी सूखने तक। देखिए पानी अभी कम हो चुका है। अब ये स्टेज में हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। गिव इट अ गुड मिक्स। फिर इसको ढक के रखिए 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 15 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं, देखिए राइस कितने खिले खिले बने। आप ये पुलाव इंस्टेंटली बहुत ही जल्दी बन जाता है। मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, तैयार है गोवन ऑथेंटिक पुलाव आरोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।